आज गाइस हम लोग कैट गोस फिशिंग खेलने वाले ही गाइस हम लोग नीचे की तरफ से सारी की सारी उन फिशिज को पकड़ने वाले जिनको हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं पकड़ा तो गाइस स्मॉल फिशिज हम लोग 76 सिक्स परसेंट कम्प्लीट कर चुके हैं मीडियम फिशिज हम लोग 63 थ्री परसेंट कम्प्लीट कर चुके हैं लार्ज फिशिज गाइस 66 सिक्स परसेंट कम्पलीट कर चुके हैं और ह्यूज फिशिज गाइस हम लोग 73 परसेंट पकड़ चुके हैं तो बाकी जितना परसेंटेज रहता है हंड्रेड परसेंट में गाइस वो आज हम लोग पकड़ने वाले मैं जा रहा हूँ वापस नीचे की तरफ और गाइस नीचे की तरफ एक बड़ी मछली तुम लोगों ने यहाँ पे देखी थी ये पता नहीं क्यों गाइस जब हमारी बोट एक जगह पे खड़ी होती है ना ऊपर की तरफ आती है और एकदम से फिर नीचे की तरफ चले एक मिनट गाय देखना है, है। क्योंकि भाई हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा मैं जा रहा हूँ दिख जाएगी और बल्ब बीटर भी दिखी जाएगी बल्ब बीटर आ रही है लेकिन मैं ऐसे बचने की कोशिश तो कर रहा हूँ बात नहीं अब मैं इतना नीचे ही चुका हूँ एक छोटी मछली यहाँ पकड़ के जाऊंगा जिसको मैंने पहले कभी भी नहीं पकड़ा उसके बाद हम लोग ना यहाँ पर बड़ा हुक लगाकर डायरेक्ट बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे नीचे की तरफ भी एक बड़ी मछली खड़ी हुई तो सीधा इसको तो मैं पकड़ नहीं पाला

को साफ कर दिया ना मतलब सारी की सारी फिशिश को पकड़ लिया इस केव के अंदर से तो हम लोग नाइन फाइव परसेंट तो सारी कैटेगरीज सारी को कम्प्लीट कर देंगे क्योंकि भाई यहीं पर सारी की सारी फिशेज है ध्यान रखना पर बल्ब बीटर आ सकती है यस वो बल्ब बीटर आ भी रही है और मैंने बॉम्ब से उसको भगा भी दिया एक और और आ रही और मैंने यहाँ पर एक और बॉम्ब से उसको भगा दिया ओके गाय ना नीचे की तरफ में जा रहा हूँ मेरे ख्याल इसको मैं पकड़ सकता हूँ इसको हम लोगों ने पकड़ लिया और मैंने पहले इसको कभी भी नहीं पकड़ा था तो ये हमारी एक दूसरी फिश होने वाली जिसको हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं पकड़ा था और इसका सर ऐसा क्यों है इस तरह तो हम लोग बहुत ज्यादा कंप्लीट कर ले यार लेक हाँ आज हम लोग ने सारी की सारी न्यू फिशेज को पकड़ना है और यही मेरा टारगेट है और हम लोग ना दो बॉम्ब लगा यहाँ पर दो बल्ब बीटर घूम रही है जिसको मैं बॉम्ब से यहाँ से भगा दूंगा और उसके बाद केव के अंदर जाके हम लोग बाकी भी सारी की सारी मछलियां पकड़ेंगे और बड़ा हुक लगाकर आएंगे ओके गाइस मैं ऊपर की तरफ पहुंच चुका हूँ हल्की हल्की थी मुझे रोशनी दिख रही है पता नहीं अभी कितने की बिकेगी एक तो उसका वेट भी इतना ज्यादा है ना तो उसको खींचने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अरे चलो ठीक है दोबारा से चलते हैं नीचे की तरफ यस गाइस दोबारा जा रहा हूँ नीचे की तरफ एक लाख पच्चीस तो 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 अपग्रेड नहीं कर रखे और गैस बाकी का अपग्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे यहाँ पर बॉम्ब चाहिए बल्ब बीटर से बचने के लिए और मुझे पूरा पता है अगर नहीं आएंगे तो गैस हम लोग अपने बॉम्ब को वैसे ही फोड़ देंगे

तक हम लोगों ने तीन न्यू मछलियां पकड़ ली है जिनको हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं पकड़ा था तो ये भी हम लोगों ने पर हाँ पकड़ ली अगेन मुझे यहाँ पर अपने लाइट को रिन्यू करना पड़ेगा दो बॉम्ब लगा लेता क्योंकि वी नेवर नो क्या पता नीचे की तरफ बीटर आ जाए और अगर बल्ब बीटर आ जाएगी तो हम लोग कुछ भी नजर नहीं आएगा वैसे भाई रेडार के अंदर तो हम लोग सब कुछ साफ दिख रहा है हम लोग रेडार के अंदर देख भी गायस किसी ना किसी मछली को तो पकड़ ही लेंगे लेकिन तब भी गाय लाइट का ये फायदा है ना कि हम लोगों को थोड़ा सा साफ दिख जाता है और अगर नीचे की तरफ बल्ब बीटर ना आए तो गाय अपने बॉम्ब को वैसे ही फोड़ देंगे उसका कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं वाला अरे भाई ये यहाँ पर घूम रही है इसको भी पकड़ना है बड़ी वाली मछली को जाएंगे यार जो अभी हम लोग जाने वाले आगे की तरफ यहाँ पर अटैक तो सारी -सारी नहीं, नहीं किया ओके यहां पर एक वाली फिश है लेकिन इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ चलो ठीक है ये तो मुझे पता चल गया ये लार्ज नहीं है ये ह्यूज है इसको अभी हम लोग पकड़ते हैं और मैं ऊपर की तरफ से जाता हूँ पहले तो हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ एक मछली खड़ी हुई है इसको मैंने पहले कभी भी नहीं पकड़ा लेकिन ये भी मेरे पकड़

तरफ लावा दिख रहा है मुझे तुम लोगों को नीचे की तरफ लावा दिख रहा होगा तभी तो भाई नीचे की तरफ से जली हुई है और फिश ही पावर है अरे तो तो तोड़ दिया कोई ना कोई तो इसका चक्कर है देखना पड़ेगा अरे चलो यार ऊपर रिसर्च करते हाँ रिसर्च करनी पड़ेगी लेकिन यार भाई ये वाली जो फिश है इसको कैसे पकड़ेंगे ये तो को ही तोड़ देती है इतना खतरनाक है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा मछलियां हैं जिनको हम लोगों ने नहीं पकड़ा तो सबसे पहले तो गाय पकड़ना दी ग्रीन कलर की मछली जिस उल्टा तेर रही हो पकड़ना उसके बाद लाइट ही बंद होगी ये वाली मछली हाँ है तो सीधा मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और गायस हम लोग इसको पकड़ते हैं और मैं के देखता हूँ की ऐसी कौन सी फिश है जो लावा टाइप बनी हुई है वो तो लार्ज फिश ही थी क्यूँकी उसने मेरे बेट को खाया भी था मुझे लग रहा है की वो दोनों की मुझे भी ऐसा लग रहा है वो लार्ज फिश है लेकिन मैं देख लेता हूँ की यहाँ पर वो लार्ज फिश है की नहीं Yes यस गाय देखो टू हेड इसको पकड़ना है हम लोगों ने और साथ में मैगमर ओके गाय वाली मछली है जो नीचे की तरफ थी अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये सुपर हीटेड मछली क्योंकि ये गाय लावा के साथ रहती है तो ये हमारी लाइन को पिघला देगी मतलब कि तोड़ देगी तो रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि हम लोगों ने अपनी लाइन को ठंडा करना है आइस से अब पानी के अंदर बर्फ कहा से लाएंगे अरे कोई तो ऐसी मछली होगी जो हमारे बहुत ज्यादा ठंडी होगी यार हाँ चौब कोई ठंडी मछली को पकड़ना है और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से उसको पकड़ना है ताकि हमारी लाइन ना टूटे वैसे यहाँ पर हम लोग एल्डर चीज को पकड़ सकते हैं अभी के लिए और हम लोगों ने इसको पकड़ना भी है और ये जो बेग है ना जो नीचे की तो हम लोगों ने देखी थी ये बॉम्ब की रियलिटिव है और मुझे लग रहा है कोई छोटी मछली इसके सामने सामने ले लेकर लेकर जानी है है या आई गेस को इसके सामने है। इसके जाना ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले हम लोग उस एल्डर चीज फिन को पकड़ ले जिसको हम लोगों ने नहीं पकड़ा ऑलरेडी पता नहीं वो यही पर ही मूव कर रही होगी या कहीं और चली गई होगी ओके यहीं पर ही मूव कर रही है रुको मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ अरे भाई साहब ये तो अपने बच्चों के साथ घूम रही है और भाई साहब इसके बच्चे को तो मैंने पकड़ लिया अरे हमारे बच्चे

पकड़ लिया था यार हाँ मुझे लग रहा है कि इसको हम लोगों ने पकड़ लिया था यहाँ पर और कौन कौन थी अरे भाई साहब मैं देख रहा था गायर के यहाँ पर कौन कौन सी छोटी मछली घूम रही है लेकिन बल बीटर ने आगे बल को ही खा लिया आगे मुझे छोटी मछली को पकड़ के फिर इन फिशिज को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये वाली फिशिज को ज्यादा ही यूनिक है ओके मैंने यहाँ पर एक छोटी मछली को तो पकड़ लिया है अभी आपको मीडियम मछली को पकड़ना पड़ेगा यार हाँ जो मीडियम मछली तो ऊपर की तरफ घूम रही है उसको तो मैं पकड़ लूंगा और मेरे पास यहाँ पर लाइट भी है मुझे लाइट को रिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर काफी ज्यादा मीडियम मछली तो घूम रही है लेकिन छोटी मछली के लिए फुल नीचे की तरफ जाना पड़ता है और लैट्स को गायदा अभी हम लोग यहाँ पर मीडियम बेट को पकड़ते हैं लेकिन अब ना मुझे यहाँ पर मीडियम कोई दिख भी नहीं रही ओके ये यह यहाँ पर आगे की तरफ दो फिश हो रही है एक को तो मैंने पकड़ लिया लेट्स गो अब गाय हम लोग वापस तो जाते हैं उस बड़ी वाली मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे लाइट को रिन्यू करके ना मैं बॉम्ब भी लगा लेता हूँ दो तो। लेकिन एक मैं मैंने हुक्का नहीं लगाया तो मुझे हुक्को भी लगाना पड़ेगा वैसे बॉम्ब मेरे जया नहीं होंगे इस वाले गायस मैंने ह्यूज को लगाया मेगा हुक नहीं लगाया क्योंकि हमारा बेट ऑलरेडी बड़ा है तो गायद हम लोगों को मेगा हुक की जरूरत नहीं है ह्यूज हुक भी मेरे ख्याल से काम आ जाएगा और ध्यान से आराम आपके बेट को कोई

उसका कुछ ज्यादा ही सीक्रेट है और यहाँ पर गाय कुछ ऐसी है जिनको पकड़ना काफी डिफिकल्ट है उसके लिए तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ओके लेट्स इसको भी रखते पीछे की तरफ हमारी बोर्ड के अंदर सेवन फिशेज आ चुकी है और अब गायस स्मॉल फिशेज हम लोगों ने सेवेंटी नाइन कम्प्लीट कर लिया मीडियम सिक्सटी फाइव कर लिया है लार्ज सिक्सटी नाइन कर लिया है और ह्यूज सेवेंटी एट कर लिया है बाकी की मछलियां पकड़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलता है तुम लोगों से नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाबा